समझे हर एक चीज को दर हकीकत दे दे इनाही वो नूरे बसीरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अहमदु व उसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाऊदु बिललाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम

इन दो सरचश्मों की बुनियाद पर लोगों के सामने रखा गया है एक अल्लाह की किताब और दूसरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अल्लाह की इतात किताबुल्लाह की इतात है अलैहि वसल्लम की एतात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आपके कौल फेल अमल की एतात है इसके बारे में नबी अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फ़रमाया तौरतूफ़ी कुम अमर लन تضلوا माँ तमस्क तुम भी माँ किताबुल्ल वसन्नत नबी मैं तुम में दो बातें छोड़ के जा रहा हूँ जब तक तुम इनको थाम के रखोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते एक अल्लाह की किताब है दूसरी उस अल्लाह के नबी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि की सुन्नत है इसलिए अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना ये हिदायत है गुमराही से बचने का रास्ता है जन्नत में जाने का रास्ता है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात गिरामी के आने के बाद जो शख्स जन्नत में जाने का प्रोग्राम रखता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो नबी सी इतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से अपने मंशा से नहीं बोलते हर बंदे की बात गलत हो सकती है और उसके लिए मुहाफजत की जिम्मेदारी नहीं है एक ही इंसान जिसकी बात गलत नहीं हो सकती और जिसकी बात की मुहाफजत की जिम्मेदारी अल्लाह अजा वजल ने उठाई है वजात नबी अलैहि वल्लम की जात है मालिक ये कहते हैं ममा इल्ला तिकवा वाह और नहीं वो बोलते मगर वो तो एक वही है जो वही की जाती है यानी आप वही के साथ कलाम करते हैं अल्लाज वजल जो आप पर वही करते हैं उसी के मुताबिक गुफ्तगु करते हैं इसीलिए मालिक ये बात कहते हैं ममरसूला फ़क्त जिसने रसूल सल्लाम की इतात की उसने अल्लाह की इतात की क्योंकि रसूल अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलता रसूल सल्ला वही की रोशनी में कलाम करते हैं इसलिए आपली वसलम की इदात को अल्लाह की इतात करार दिया आप की पसंद और नापसंद की नापसंद और पसंद है आप सल्हसम जिस राह पर चलें उस राह पे चलकर ही इंसान जन्नत में जा सकता है और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार करता है तो वह हक का इनकार करता है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाते हैं वो हक फरमाते हैं आप वसल्लम जो बात फरमाते सैदान अब्दुल्ला इबिन अमर उदी अल्लाहन को लिख लिया करते थे ताकि उसको याद कर लें किसी कहने वाले ने कहा कि तुम सारी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिख लेते हो जबकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान हैं बशर हैं कभी गुस्से में होते हैं यानी इस्लाम की मुख्तलिफ कैफियत हैं एक इंसान होने के नाते कभी ख़ुशी में कभी गुस्से में एक शादमानी की कैफियत है एक गम की कैफियत है तो ऐसी कैफियत में इंसान बात गलत भी कर सकता है सैदन अब्दुल्ला इबन अमर तुने लिखना मौकूफ़ कर दिया फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया कि मैं आपकी बातें लिखता था तो मुझे कहने वाले ने यह बात कही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमाया फल्ल नफ्सी भी दी उस दाद की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है तो मैं उक लिखो फवल नफसे बियादी उस जात की कसम जिसके हाथ में तो मेरी जान है माँ या खुरुजुमिन हूँ। अपनी जुबान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया इस जुबान से नहीं निकलता सुाय हक के जुबान से जब भी बात निकलती है हक की निकलती है। यानी आप गुस्से में हैं तब भी बात हक होगी गम में है कलाम तब भी हक पर मबनी है खुशी में है तब भी कलाम हक पर मबनी है यानी मैं जिस मर्जी कैफियत में हूँ कलाम दुरुस्त ठीक हक़ पर मनी है तो नबीय मुकर्रम अलैहि व्म की दात गिरामी ये हक़ का मैार है आबल इस्लाम की गुफ्तगु आबल इस्लाम का अमल जिसको उसवा हसन करार दिया है वो इस उम्मत मुस्लिमा के लिए उसी कदर ज़रूरी है जिस क़दर जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद जन्नत की तमन्ना करना ज़रूरी है उसके लिए जन्नत में जाने का रास्ता ही वो हक़ की इतबा और हक वो जो मोहम्मद सल्ला वसलम लेके आए हती आप वसलम से साथियों ने सवाल किया एल्ला के रसूल सल्ला आप कभी हमसे मजाक भी करते हैं तो हंसी मज़ाक में इंसान बाद दफ़ा बात गलत कर देता है ऐसा तौर पर होता है तो साथियों ने सवाल ये किया कि के नबी आप हमसे मज़ाक कर लेते हैं फरमाया हाँ कर लेता लेकिन मैं मजाह में भी स्वयः हक़ के और कोई बात नहीं करता यानी आप की दात गिरामी इतनी महफूज और मामून है कि इस्लाम जब भी कलाम करते हैं वो मजाह में हो वो खौफ की हालत में हो वो गुस्से की हालत में हो वो ख़ुशी की हालत में हो इस्लाम स्वयः हक़ के और कुछ नहीं कहते इसलिए आप सल्ला व्ल्म की इतबा एक शख्स जो जन्नत में जाने का मतमनी है उसके लिए बहुत ज़रूरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी मिसाल बयान फरमाई और उसकी अहमियत को हमारे सामने आश्कार किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सोया हुआ था दो फरिश्ते आए एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहने लगा कि आपकी इनकी मिसाल बयान करें दूसरा है। कहना है सोए हुए हैं कहना कहा फरिश्ता के अगरचे सोए हुए लेकिन इनका दिल वो जागता है कहा इसकी मिसाल बयान करो फरिश्ता मिसाल बयान करता है एक महल बनाने वाले ने महल बनाया फिर एक नुमाइंदे को भेजा जो लोगों को जाके दावत देता है कि आओ भाई महल के अंदर खाना तैयार है आपके लिए दावत है आप उस दावत से लुत्फ उठाएँ लोगों को दावत देता है अब जिस बंदे ने उस नुमाइंदे की दावत को कबूल किया वो महल में दाखिल होगा और वो खाना खाएगा उस दावत से लुत्फ उठाएगा और जिसने उस नुमाइंदे की बात को नहीं सुना नहीं माना तो ऐसा शख्स ना महल में दाखिल हो पाएगा और ना ही उसके खाने खा सकेगा उसने कहा जी इसकी वजाहत करें तो फ कहने लगा कि महल बनाने वाला अल्लाह है महल जन्नत है और उस जन्नत की तरफ़ बुलाने वाले मोहम्मद रसूल अल्लाह हैं सल्ला वसलमा अब जिसने इनकी बात को माना इनकी एताज की तो वो जन्नत में दाखिल होगा जन्नत की नमतों से लुत्फ उठाएगा और जिसने आप अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना आप सल्ला वसलम की एताज से रूगरदानी की आप सल्ला वसम की हदीस को नहीं माना मुनकरीन हदीस हुआ हदीस का इनकार करने वाला इसने दावत को कबूल नहीं कि आप सल्लल्लाहु वसल्लम की तो ये जन्नत में नहीं जा पाएगा और ना ही जन्नत में जन्नत की नेमतों से लुत्फ उठाएगा क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना जन्नत में दाखिला है आप इस्लाम की बात को न मानना जन्नत से रुक जाने का रास्ता है और आप सल्ला व्लम ने खुद फरमाया मन अतवानी दखल जन्न जिसने मेरी इतात की वो जन्नत में दाखिल हो मन असानी फ़खत अबा और जिसने मेरी नाफ़रमानी की तो यकीनन उसने ना इनकार किया यानी वो बंदा जन्नत में जाने का इरादा नहीं रखता जो आप का सुन्नत, आप के कौल फेल और आप सल्लाम के उस्वा, उससे रुगरदानी करता है एराज़ करता है उस राह पर चलना पसंद नहीं करता उसको वो राह ही नहीं पसंद जो नबी सल्लाम की तहत तो फरमा बरदारी की राह तो आप्लाम फरमाया मन औ फ़खत अबा जिसने मेरी नाफरमानी की तो यकी उसने इनकार किया और जिसने इताद की वो जन्नत में दाखिल होगा अल्लाह अकबर तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी आप की इता तो फरमा बरदारी हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जो जन्नत में जाने का इरादा रखता है और नबी सल्ला वसलम ने एक और मिसाल से लोगों को समझाया इमाम मुस्लिम ने शदीस को भी नकल किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी मिसाल उस बंदे की तरह है जो आके अपनी कौम को डराता है ए लोगों मैंने एक लश्कर देखा वो तुम पर हमला आवर होने वाला है डर जाओ भाग जाओ यहाँ से कहा जिसने उसकी बात को माना रात की तारीखी में बस्ती से निकल गया और चला गया तो वो उस लश्कर से महफूज और मामून हो गया और जिसने बात को नहीं माना परमा लश्कर हमला अबर हुआ उसने उनको तबाह कर दिया उनकी नस्ल को ख़त्म कर दिया आप ने फरमाया मेरी और जो मैं हक लेके आया हूँ उस हक की मिसाल है ये कि जिसने मेरी बात मानी और मेरे कहे के मुताबिक अल्लाह वज़ल की बात रहता तो फरमा बर्दारी पर चलता रहा ये निजात पा गया जिसने बात नहीं मानी तो ये नजात के रास्ते से दूर चला गया है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तात फर्मा बरदारी ये अहम तरीन बात है इससे एराज करने की गुंजाइश नहीं है किसी बंदे के लिए गुंजाइश नहीं कि वो इससे एराज करे जन्नत का कर रास्ता है बल्कि जन्नत में नबी सल्ला व्ल्लम की रफ़ाकत का रास्ता है आयत सबी अल्लाह तबी सल्ला वसलम की बारगाह में आए और अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है बड़ा प्यार है और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया के हर रिश्ते से बढ़ कर आपसे प्यार करता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं अपने बच्चों से बढ़ कर प्यार करता हूँ अपनी बीवी से बढ़ कर आपसे प्यार करता हूँ लेकिन एक बात मुझे परेशान करती वो यह है कि मैं जब घर में होता हूँ तो जब बेचैन होता हूँ दिल बेकरार होता है आपकी मजलिस में आता हूँ आपका दीदार करता हूँ मेरा दिल मुतम हो जाता है पुरसकून हो जाता है लेकिन एक ख्याल मुझे आया जिसने मुझे परेशान किया कि मैंने भी फौत हो जाना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दुनिया से रखसत हो जाना है आप जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ने जो आला मरातब आपके लिए रखे हैं आप तो वहाँ जाएंगे और हम अगर जन्नत में गए भी तो आप जैसी आला जो मकाम की फजीलत है वहाँ तक तो ना पहुँच पाएंगे आज दिल घबराता है आपको देखता हूँ दिल मुतमिन हो जाता है वहाँ अगर आपकी दीद ना हुई तो मेरा बेकरार दिल चैन कैसे पाएगा इस चीज़ ने मुझे मुस्तरफ़ कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जवाब नहीं दिया आसमान से मालिक ने जबरी को भेज दिया और यह आयत मुबारक नाज़िल हुई वही हो तो रसूल व उलाकम्दीन अनअ्म मिनन्नबी जीन व्द्दीक़ी वसुहद वसूल व हसन उलाक रफ़ीक जिसने अल्ला की और रसूल सल्लास की तो ये वो लोग हैं जो उन लोगों को उनकी रफ़ाकत को हासिल कर लेंगे उनके साथ होंगे जिन पर अल्ला ने इनाम किया मिनन्नबी जीन नबी व्द्क़ी और सिद्दीक व सुदा और शहदा के साथ वाली और नेक लोगों के साथ इनको रफाकत मिल जाएगी किन को जिसने अल्लाह और रसूल सल्लाम की इतात की यानी रसुल्लम ला की इतााहत फर्मा बरदारी जन्नत में आप सल्लाम की रफाकत के मिल जाने का बायस हो अच्छा एक और बात याद रखिए कि अगर कोई शख्स मुखलिस हो वो दिल के अखलास के साथ नीयत में कोई शक और शुबा नहीं उसके लेकिन नबी सल्ला वम की इदातु फर्मा बरदारी उसका दामन छूट जाए अमल कबूल नहीं होता क्योंकि तो अमल की कबूलीत के लिए ये शर्त होती है ना कि अमल इखलास की बुनियाद पर हो लाहीत की बुनियाद पर हो अल्लाह की रज़ा के लिए भी हो लेकिन ये शर्त भी शामिल है अखलास भी हो और सन्नत के मुताबिक भी हो अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं तो अखलास होने के बावजूद अमल कबूल नहीं होता है इमाम बुखारी और मुस्लिम राहुल्ला इसके अलावा और महदसिन राही ने इस रिवायत को नक़ल किया तीन साथ ही आप सल्हुहम के दरवाज़े पे आए आपली व्ल्लम घर में नहीं थे अम्मा जी ने कहा कि आप घर में नहीं हैं तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मामूल के मुतालिक सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात किस तरह बसर करते हैं दिन में आप अलैहि वसल्लम का मामूल क्या है इबादत और अल्लाह की बंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अमाल करते हैं अम्मा जी ने नबी अलैहि वसल्लम के शब रोज़ के ममूल का तस्करा किया आप सल्हम की शब बदारी का जिक्र किया दिन में रोज़ा रखने का जिक्र किया नमाज पढ़ने और नमाज के आने के मामला में और जिक्र असकार की वो सारी कैफियात जो थी उसका तस्करा किया अम्मा जी ने अब तीनों साथी दरवाज़े पर खड़े खड़े आपस में बात करते हैं कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी अल्लाह तहले तो और आखिरी तमाम जंब जो को कमी कुताही को ऐसी कोई की कैफियत हो अल्लाह ने वो सारी माफ़ कर दी आप तो मासूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ऐसी कोई बात मौजूद हमें उससे बढ़कर कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा मशक्कत करनी चाहिए एक साथी ने कहा उसने कहा कि मैंने इरादा किया कि मैं अब सारी जिंदगी रोज़ा रखूंगा जब तक जिंदा रहूंगा हर रोज़ रोज़ा रोजा नहीं छोड़ना ताकि अपने नफ्स को कुचल कर अपने नफ्स को किसी भी किस्म के जज्बात से बचा कर भूख के साथ अपनी ख्वाहिशात मसल कर अल्लाह की इबादत बंदगी करनी उसकी रजा को हासिल करना है दूसरे ने बात सुनी तो उसने कहा मैंने इरादा किया है कि मैं अब सारी जिंदगी रात सोऊंगा नहीं अल्लाह की इबादत बंदगी के लिए शब्दारी होगी सारी जिंदगी रात को अल्लाह की इबादत बंदगी करनी सोना नहीं तीसरे ने कहा कि मैंने शादी नहीं करनी यानी शादी ना होगी ना बीवी ना बच्चे ना उनकी ज़िम्मेदारियाँ ना उनके मामलत इसलिए मैं बिल्कुल फारिग होकर सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए अपने आप को रब की बारगाह में मुख्तस कर दूँगा अल्लाह ये गुफ्तु करके चले गए बाद में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु वसल्लम की दात गिरामी जब अपने मामूल के मुताबिक घर में तशरीफ़ लाए तो आपकी जवजा और हमारी अम्मा जी ने नबी इलाम को बताया तीन साथी आए उन्होंने सवाल किए तो मैंने उनको जवाब दिया तो बाद में ये उन्होंने गुफ्तगु की है दरवाजे पर खड़े खड़े आप सल्लाह लोगों के दरमियान आए और लोगों को खिताब फरमाया और फिर ये बात कही और मैं लोगों सुनो तीन साथ ही आए ये बात हुई और उन्होंने ये ये बात कही है और मैं देखो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी से बढ़कर इस कायनात में अल्लाह से डरने वाला और कोई नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से बढ़कर, दिल जो ख़शियत वाला है इससे बढ़कर और किसी का दिल खशियत वाला है नहीं है इस दुनिया के अंदर नबीलाम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने अल्ला वाले पर मैं मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने अल्ला वाला हूँ लेकिन मैं रात को इबादत भी करता हूँ और सोता भी हूँ मैं दिन को रोज़ा भी रखता हूँ नफली रोज़ा छोड़ता भी हूँ मैंने शादियाँ कर रखी यानी आम बंदा जो है ना आम मुसलमान उसको तो चार शादियों की इजाज़त है नबी इस्लाम को उससे ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इजाज़त दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखता हुए तो आप सल्ला व्ल्लम की नौ बीवियाँ थीं तो मैंने शादियाँ भी कर रखी उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं औलाद भी अला अजा वजल ने दी उनकी जिम्मेदारियों को भी पूरा किया मक्की दौर में मदनी दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम ज़िम्मेदारियाँ को निभाते रहे आपने फरमाया कि आखिर में जो बात कही जो मैं बताना चाहता हूँ फमर रागी बनसुनती फई समी जिसने मेरी सुन्नत से इराज़ किया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं अब मैं सवाल ये करना चाहता हूँ वो जो तीन साथी आए थे नबी इस्लाम के साहबी उनके अखलास में कुछ शक हो सकता है इस कायनात में अल्लाह ने किसी को इतना मुखलसाना दिल दिया ही नहीं नबियों के बाद जितना मुखलसाना दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को दिया हकीकत बात यह और अखलास की कैफियत यह है मैं अखलास बताने लगा अखलास की कैफियत यह है उनके दिल की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अगर बाद में आने वाला को ओहद पहाड़ सोना खर्च करता है और मेरा साहबी एक मुट्ठी जो खर्च करता है रब की बारगाह में सदका करता है तो ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च किया हुआ मेरे साहबी के एक मुट्ठी जो रब की बारगाह में खर्च किए हुए के बदले और उसके स्वाब को और अजर को नहीं पा सकता ये नबी इस्लाम के साहबा के अखलास की बुनियाद पर ऐसा था आप सल्लाम के साहबा के अखलास जैसा किसी का अखलास नहीं अखलास में कुछ हक नहीं नबी इस्लाम की मोहब्बत में कुछ अक हो सकता है वल्ला नहीं इस कायनात में जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके सहाबा ने चाहा माओ ने ऐसे बच्चे ही नहीं जने जो नबी नबीम से इतनी मोहब्बत और चाहत करें मोहब्बत रसूल में कोई शक नहीं लेकिन आप सल्लाम जो रहनमाई फरमाई है उम्मत के लिए यहाँ पर वो यह फमन रागी बनसुनती फनी जिसने मेरे तरीके मेरी सुन्नत से एराज किया उसके मेरे साथ ताल्लुक नहीं और दूसरी रवायत के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है आप वसल्लम ने फरमाया जिसने ज़माना भर का रोज़ा रखा यानी सारी जिंदगी रोज़ा ही रखा उसका एक रोज़ा भी नहीं होता क्योंकि नबी अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं नबी सल्ला वलम का हमल नहीं आपलम की सुनत नहीं है इसलिए आप सल्ला वम की पैरवी आप सल्ला वसल्लम की इता फरमा बरदारी ये बहुत अहम चीज़ है अल्लाह मालिक से दुआ है वह मालिक हमारे हाल पर हम फरमाएँ और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना मोहब्बत जो आपकी सुन्नत से वालेहाना प्यार की सूरत में हो वह मालिक हमको अता फ़रमाएँ अल्लाज वजल सेहत आफ़ियत ईमान के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएँ इस्लाम पर ईमान पर तोहेद पर ज़िंदगी उसी पर हमारा ख़ातिमा फरमायें दुनिया आखिरत की रहमतें बरकतें आसानियाँ इज़्ज़तें वह मालिक हमारे मुकदर में फरमायें दुनिया आखिरत के दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ और जिल्लतों से मालिक महफूज फरमाएँ व आखिर उदावाना अनिल समझे हर एक चीज को दर हकीकत रे इनाही बनू रे बसीरा